गालिब लाइब्रेरी। गालिब लाइब्रेरी 1970 में नाजमाबाद के इलाके में मरूफ शायर फैज अहमद फैज और दानिश्वर मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन ने कायम की। इस लाइब्रेरी का मकसद उर्दू जबान, अदब और बिलखसूस गालिब के फन व फिक्र को तरवीज देना था। लाइब्रेरी का क्याम इदारा यादगार गालिब के तहत हुआ, जो मस्कूरा दो इशखास ने 1968 में गालिब की 7 साल बरसी पर बनाया था। जिस तरह आज आर्ट्स कौंसिल में तकरीबात सजती हैं, एक वक्त था यहाँ पर भी मिले आबादी फैज अहमद फैज, मजनू, खोर कपूरी, इमनेम शाह, इब्राहिम जलेज, अहमद नदीम कासमी, अबुल फजल सिद्दीकी, मोहसिन भोपाली और सादिकीन वगैरह अदबी महाफिल को सजाया करते थे। लाइब्रेरी में 30,000 से ज्यादा कुतुब का जखीरा मौजूद है, जबकि मुख्तलिफ मजामीन के जर्नल भी वाफर मकदार में मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी के लिए गर्चा कुतुब खरीदी भी गई हैं, लेकिन तकरीबन 11,000 के करीब कुतुब वो हैं जिन्हें अवाम ने अतिया किया है। तकसीम हिंद से कबल शाये होने वाले रिसाले जराइद का भी यहाँ बेपनाह जखीरा मौजूद है। मजीद ये कि इस लाइब्रेरी में तारीखी खतूत और शुमारे महफूज हैं, जिनमें जोश मले आबादी, सिब्त हसन, रॉले फ्रिजल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के खतूत, जबकि शाहनामा फिरदौसी, अलिफ लैला और तिलिस्म हवेश, रबाब जैसी नायाब अशात भी मौजूद हैं।